नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कंपनी में लाए हैं जहां पर तमाम तरह की मशीनें बनती हैं जिनसे आप अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं बेहद ही कम लागत में। हम आए हैं यस मशीनरी पर, जहां के राकेश कुमार जी हमें बताएंगे कि किस किस तरह की मशीनें बनाते हैं वो, और उन मशीनों के माध्यम से किस तरह से आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। सर स्वागत है हमारे इस वीडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपकी कंपनी द्वारा तमाम तरह की मशीनरी बनाई जा रही है, किस किस तरह की मशीनें हैं, किस तरह से लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली सर हमारे पास लघु उद्योग है, जो आदमी जॉब नहीं अपना काम करना चाहता है, अपना काम करते करते अपने पार्ट टाइम काम करता है या मशीन लगा के खुद का बिजनेस एग्रो करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास लघु उद्योग बहुत सारी मशीनें अवेलेबल है। जैसे कि एक हाथ वाली मशीन है हमारे पास जो कि मात्र 12,000 से स्टार्ट है। ये आपकी जी बताइए इसमें। ये 12,000 रुपए की मशीन है, आप इससे अपना खुद का काम कर सकते, दोना प्लेट थाली सब बन जाता है इसी मशीन से। तो ये क्या बिजली से चलती है सर या हैंड? ये गैस से आप बिजली दोनों चल जाती है, मेन तो काम हाथ का है, बिजली बहुत ना के बराबर यूज होती है इस मशीन के अंदर। दूसरी मशीन हमारे पास आती है, ये सिंगल डाई की मशीन है, दोना प्लेट बना रही है। ये मशीन है जिससे दोने निकल रहे हैं, किस तरह की मशीन है और क्या प्राइस है इसके बारे में? ये क्रंक वाली मशीन है दोना प्लेट की, ये 40,000 रुपए की कॉस्ट है इस मशीन की। इसमें क्रम्पटन की मोटर है, पूरा लोहे की चादर है, पूरा कंप्लीट मशीन है, अपने आप में एकदम ओके पीस है। 40,000 रुपए की कॉस्ट है इस मशीन कम्प्लीट। सर बात करें तो इसमें से दोने निकल रहे हैं, इसके अलावा भी क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं? इसके अंदर हम डाई चेंज करके, मोटर चेंज करके, मोल्ड होता है इसका, वो चेंज करके कोई भी आइटम कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर। हम सिर्फ डाई चेंज करना है, प्लेट थाली दोना इसी मशीन में सब बन जाएगा। सर ये जो मशीन है 40,000 की आती है, तो इसमें अगर इसको लिया जाए तो बिजली की खपत कितनी लगती है और एक घंटे में कितना प्रोडक्शन इससे निकलता है? इस मशीन के अंदर आधे HP की मोटर है और मात्र आधा यूनिट एक घंटे का खपत होता है, 1 kW में ये मशीन चल जाती है। सर उसके अलावा एक दूसरी मशीन दिखाई दे रही है जिससे लगातार ये प्लेट से निकल रही है, ये किस तरह की मशीन है? एक्चुअली सर सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला हमारा हॉट प्रोडक्ट है ये वाला, इसका नाम है हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन। टोटली हम ऑल ओवर इंडिया में इस मशीन को सेल आउट करते हैं। अभी अभी हमने लास्ट मंथ में 2 मशीन अमेरिका USA भेजी है ये वाली मशीन। हमारी कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है इंडिया से बाहर भी, नेपाल हमारा कंटिन्यू माल जाता है, तो सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला प्रोडक्ट है ये। इस मशीन के अंदर जो डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास कंप्लीट शॉप पर, टोटली आइटम एक ही मशीन से बन जाएगा। क्या क्या मशीन से बनेंगे? इस मशीन की कॉस्ट है मात्र 75,000। क्या क्या प्रोडक्ट इससे बन जाएंगे थोड़ा सा? इससे मैं आता हूँ, रिंकल प्लेट, दोना प्लेट, थाली, बफे, आपका स्लीपर, A to Z प्रोडक्ट टोटल कम्प्लीटली, 4CP सब आइटम इसमें। ये कहो क्या नहीं बनेगा, पेपर प्लेट का टोटल सॉल्यूशन है इस मशीन के अंदर। सर बात करें तो ये जो मशीन है कितनी बिजली ये खाती है और कितना लागत इसमें लगेगी अगर कोई ले इसको? तो इस मशीन की 75,000 कॉस्ट है, GST ट्रांसपोर्ट या पेपर डाइया लगा के आपका 1.25 लाख में पूरा कंप्लीट पैकेज घर पे काम शुरू हो जाएगा। सर ये जो मशीन है इसमें कितनी बिजली की खपत होती है और अगर ये मशीन चलती है तो प्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर इस मशीन के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो आपका 2800 पीस बनता है एक घंटे के अंदर, और 2 HP की मोटर है, तकरीबन आपका 1 यूनिट पर आवर में खर्चा आएगा इसका। तो आपने बताया कि ये 75,000 रुपए की ये मशीन है, उसके अलावा एक 40,000 रुपए की और भी मशीन है, अगर बात करें गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या सुविधाएं रहती है क्या इसमें? सर सब्सिडी मिलती है, अगर गवर्नमेंट से आप लोन लेते हैं MSME के थ्रू तो 35% इसमें आपको डिस्काउंट या उसको वो मिल जाती है सब्सिडी। इसके अलावा सर जी हाँ पास हो जाता है इसमें गृह लघु उद्योग के नाम से। इसके अलावा सर और भी मशीनें कंपनी द्वारा बनाई जाती है, किस किस तरह की मशीनें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट उनसे बनते हैं? हमारे पास सर कम से कम 50 तरह के मॉडल्स हैं, यहाँ तो हमने केवल 3-4 मॉडल्स रखे हैं, बाकी हमारी कंपनी दिल्ली मौजपुर में, यहाँ तो एक्सपो इंडिया मार्ट में हम आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने छोटी सी स्लॉट लगाई है। हमारी कंपनी में सारी पूरे किस किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ से मतलब मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं उसके बारे में? स्लीपर मेकिंग है, नोटबुक की मशीन है, पेपर कप की है, प्लास्टिक ग्लास की है, ऐसे ही बहुत सारे मशीन हैं अलग अलग तरीके की। सर अगर जिस तरह से अगर कोई इस तरह की जो ये मशीनें लेना चाहे, जो प्लेट्स की मशीनें हैं या जो बाउल्स बना रहे हैं ये मशीनें लेना चाहे, तो किस तरह से संपर्क कर सकता है आपसे और आपकी तरफ से क्या क्या उसको सहूलियतें मिलेंगी? क्योंकि जो लोग अगर लेंगे तो उन्हें चलाना नहीं आएगा, कैसे सीखेंगे वो थोड़ा सा? हमारा कारीगर जहाँ पे मशीन जाती है उनके घर पे जाते हैं, 2 घंटे जाके वहाँ पे 4 घंटे में मशीन सेटल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं,
माल बनाना सिखाते हैं, उसके बाद वहाँ से आते हैं, तो पूरा सेटअप कराना हमारी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा सर बात करें, अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, मशीन आपसे ले सकता है, तो रॉ मटेरियल उसको कैसे मिलेगा, उसके बारे में उसको कैसे जानकारी मिलेगी? हमारी कंपनी टोटल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, डाई प्रोवाइड करती है, और मशीन लेने के बाद में बाइक ट्रांसपोर्टर के घर तक हम माल भेजते रहते हैं बाइक ट्रांसपोर्ट। बात करें तो आपने जिस तरह से बताया कि मात्र 40 या 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मेन चीज़ होता है प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग, उसको बेचना प्रोडक्ट, तो उसको लेकर किस तरह से आपके द्वारा मदद की जाती है लोगों को? उसमें हम हेल्प कर देते हैं, कैसे माल बेचना है या अपने नियर अबाउट में क्या सेल आउट करना है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं पार्टनर। उसके अलावा एक मशीन और ये जो दिख रही है, ये बफे की फुल ऑटोमेटिक मशीन है, बफर प्लेट की, बफे की सीट लगाते रहेंगे तो ऑटोमेटिक चलती रहती है, तो उससे बफे प्लेट जो यहाँ पे बने हुए पड़े हुए ये इससे बने हुए तो वो सब बन जाता है इसकी हेल्प से। कुल मिला के जिस तरह से जो आपने बताया कि ये तमाम तरह की जो मशीनें हैं, इसको लेने के बाद मल्टी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जी, तो अगर कोई इसको लेता है वो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे, कैसे आपसे मिल सकता है? हमारी कंपनी दिल्ली के अंदर है, मौजपुर सादरी के अंदर हमारे, जैसे आप इसमें अगर बाहर से आप फोटो लेंगे एक तो इसका, तो पूरा कंप्लीट हमारा फोन नंबर, हमारा एड्रेस आपके इस पे आ जाएगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे आप। अच्छा, आप कंपनी काफी समय से इस तरह की मशीनें बना रही है, आप इंडिया के अलावा बाहर भी आप इन मशीनों को देते हैं, लोगों का फीडबैक कैसा है, लोग किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ा चुके हैं, क्या कहते हैं? हमारे पास कम से कम इसमें रिपीट कस्टमर बहुत सारे आते हैं, जो एक मशीन लगाता है तो फिर वो नेक्स्ट मशीन और लगाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो पेपर बनाने वाली मशीन हमारे पास वो भी अवेलेबल है, तो फिर उसके थ्रू अपना धीरे ग्रो करते रहते हैं बिजनेस को, तो काफी पार्टियां ऐसी हैं जो एक मशीन के बाद 20-20 मशीन चल रही है आज। जिस तरह से सर प्लास्टिक के प्रोडक्टों को काफी बैन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, अब ये जो मशीनें हैं ये तमाम तरह के जो कागज की प्लेट्स हैं, कागज के प्रोडक्ट बना रही हैं, कितना फायदा है अगर कोई इस तरह का बिजनेस शुरू करे, इस तरह की मशीनें लेकर काम शुरू करे? इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपने ये वाली मशीन लगा दी तो इसमें तकरीबन 1400-1500 रुपए पर डे के हिसाब से आदमी को इनकम होती रहती है, और उनको 8-9 घंटे मशीन चलानी होती है, उसका माल बेचना होता है। सर इस तरह का जो काम है उसके लिए किस किस तरह की परमिशन लेनी पड़ेगी उसको? नहीं, कोई एरिया लेना एक्चुअली एक दो मशीन लगाने के लिए कोई परमिशन जरूरत नहीं है, हमारी MSME में हमारा रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट में, हम जो पक्का बिल काटेंगे GST बिल, उससे आदमी 2-3 मशीन लगा सकता है, अगर आप 4-5 मशीन बैठवाते हैं तो आपको फिर GST नंबर लेने की जरूरत पड़ती है। स्पेस की बात करें तो 10x12 के रूम में एक या दो मशीन आराम से सेटअप हो जाती है। तो ये थे यस मशीनरीज के अधिकारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी कंपनी द्वारा तमाम तरह की मशीनें बनाई जाती है, जिनको लेकर कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।